हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के एम कलोचा में। और आज मैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर शूट करने जा रहा हूं। ठीक है, पुराने तो वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, जिनको नहीं पता कहां पर हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और वहां से आप देख करके जो प्रीवियस नॉलेज इस चैप्टर के लिए वो आपको मिल सकती है। ठीक है, आज की अपने बच्चों टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपल सी बात है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी। अब बड़ी बात यह है कि भैया पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है। आप सभी जानते हो भाई कि हम जो सॉलिड्स को पैक करते हैं, क्लोज पैकिंग कही जाती है। अब उस क्लोज पैकिंग में होता क्या है कि कोई अगर सॉलिड हम पैक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि पार्टिकल को ऐसे अरेंज किया जाए कि स्पेस बहुत मिनिमम बचे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ स्पेस क्या होता है, बच जाता है। तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है बाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वही क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी होती है। अगर उसको हम परसेंटेज के टर्म में लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात बोलेंगे द स्पेस टेकिंग बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। किसी एक यूनिट सेल में जितना स्पेस किसी कॉन्स्टेंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया, वही उसकी क्या होती है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का जो फार्मूला है बच्चों, वो आप लोग याद रखिएगा। ये फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर, जितने उसमें स्फीयर हैं उसकी संख्या, इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। एक स्फीयर की जितनी वॉल्यूम होती है वो रख दीजिए, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लेते रहो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब परसेंटेज निकाल दो तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 100। तो ये आपके पास एक फार्मूला है किसी यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटेज के टर्म में निकालने का। क्या बोलना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर। अब पहले पता कर लीजिए भैया टोटल नंबर ऑफ स्फीयर क्या है, मैं इसको आपको क्या बोलता हूँ, रैंक भी बोलता हूँ। यहाँ पता कर लीजिए उस यूनिट सेल की रैंक क्या है, तो जो रैंक होगी उसका यहाँ पर नंबर लिख दीजिएगा, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों भी मैं बता दे रहा हूँ वो रख दीजिएगा, और नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100 आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्मूला दिमाग में जोर रखिएगा इस चीज़ का। मैं यहाँ स्फीयर क्यों लिख रहा हूँ, तो मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्फीयर ही एज्यूम किया है। क्या माना है, एक स्फीयर, इसलिए हम इसको स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये तो फार्मूला हो गया, इसको और क्लियर लिखना है तो ऐसे लिखिए, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर मान लो जेड है, रैंक इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों होता है 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाए, ए क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों क्या है सेम है, तो ए क्यूब इंटू 100। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो बाहर क्या लगा दीजिएगा, परसेंटेज। ये हो जाएगा उसका क्या, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम अलग अलग टाइप का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अलग अलग टाइप की यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता था, अब ध्यान देखो, यही तो होता था, ये आपका कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से था ना। और क्या था, यहां पर क्या रखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे रखे थे इस तरीके से, ऐसे कॉन्स्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे रखे हुए। अच्छा, मैं इनका नेमिंग कर देता हूँ, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो सर ये अरेंजमेंट हो गया किसका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मान लिया हमने ए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या मान लिया ए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी क्या मान लिया ए, हर जगह ए है। अच्छा,
तो सर अब बड़ी बात यह है कि आपको मालूम है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक क्या होती है। रैंक होता था सर, कितने कॉर्नर है सर, 8, एक कॉर्नर कितना 1/8, तो टोटल सर 1, इसकी रैंक कितनी आ गई 1, क्लियर है। अच्छा अब सर और क्या चाहिए, क्या कुछ नहीं, फार्मूला चाहिए। फार्मूला आपको मालूम है, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने स्फीयर हैं बच्चों, 1, तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो बच्चों इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब इंटू 100। अब क्या करेंगे आगे, अब क्या है कि इस ए क्यूब को अगर आर के टर्म में लिख लिया जाए तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा आपको बाहर दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये ऐसे ही तो है, कुछ इस तरीके का, इन्होंने बहुत पास पास रखे हुए हैं, यही लाइन तो है, देखिए ये लाइन, और यहीं तक के डिस्टेंस को बच्चों क्या माना है, ए। और आपको पता है इतना जो पार्ट होता है, अगर यहाँ पॉइंट दे दिया जाए तो ये आर होता है और ये भी क्या होता है आर, इस तरह बोल सकते हो ए इज इक्वल कितना है 2R है, ये जो लेंथ ए है ये किसके बराबर है 2R है, तो यहाँ लिखेंगे उसके बाद 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की जगह लिख देंगे 2R का होल क्यूब, 2R का होल क्यूब, और यहाँ मेंशन करेंगे बच्चों क्योंकि ए इज इक्वल क्या है 2R फ्रॉम फिगर। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे इंटू 100 रहेगा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा 52.4% अप्रॉक्स में आएगा, कितना आएगा 52.4% अप्रॉक्स में आएगा, इतना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बाकी जो स्पेस बच गया वो क्या हो गया वैकेंट है, खाली है, ठीक है। इस तरीके से इसका पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग निकाल सकते हो। बताओ सबको समझ में आया ये चीज़, आया तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं सेकेंड टाइप का। चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP और CCP स्ट्रक्चर। अगर बच्चों किसी का स्ट्रक्चर HCP है या फिर CCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर क्लोज क्यूबी पैक स्ट्रक्चर है, तो उन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो सेम आती है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ। अच्छा ये दोनों किसकी तरह और दिखते हैं, FCC की तरह दिखते हैं। तो देखो मैं एक FCC बना रहा हूँ बच्चों, FCC कैसा था सर, FCC ऐसा था कि एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल तो कॉर्नर पर रखे हुए दिखते थे जिसका 1/8 पोर्शन आपको पाई होता था, बाकी हर फेस के सेंटर पर रखा हुआ आपको मिलेगा, मतलब यहाँ तो पार्टिकल रखा ही होगा इस तरीके से, यहाँ भी रखा होगा सर, यहाँ भी रखा होगा सर, यहाँ भी रखा होगा सर, और सर हर सेंटर हर फेस के सेंटर में रखा होगा सर, हर फेस के सेंटर में ऐसे रखा होगा, मतलब सर इसका रैंक कितना आया था, तो रैंक निकालना बताया था 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 इज इक्वल 4, कितना आएगा 4, बोलोगे कैसे, अरे भाई आपको मैंने प्रीवियस में बताया था कि जो फेस पर आएगा कॉन्स्टेंट पार्टिकल वो तो एक आधा पार्ट आएगा एक स्फीयर का, एक स्फीयर का आधा इसके पास आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा, तो हर जगह 1/2 है, हर जगह 1/2, तो कितने फेस है टोटल 6 फेस है, तो 6 × 1/2 टोटल कितना आ गया 3, और हर कॉर्नर का तो मालूम है 1, तो 3 और 1 कितना है 4, तो मेनली रैंक आपको समझ में आ गया कितना होता है 4। चलिए अगर रैंक आपको समझ में आ गया तो आगे कहानी देखो क्या होगा, मैं इसको वापस से फिर से दिखाता हूँ और कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, ये हमने बनाया है एक यूनिट सेल जो किसके फॉर्म में है FCC फॉर्म में है, तो मैं सारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल को नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लेंथी हो जाएगा समझने में, मुझे जिनका काम है उन्हीं से दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ रखा हुआ है सबको मालूम है, एक तो यहाँ रखा हुआ ये भी मालूम है, एक ऐसे रखा हुआ ये भी मालूम है, हर कॉर्नर पर भी है हर सेंटर पर भी ये सब क्लियर है, लेकिन मैं मात्र अभी 3 ही को शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसका नेमिंग कर दे रहा हूँ बच्चों A, B, C, D, E, F, now G and H, ये इसका नेमिंग कर दिया। अब यहाँ का लेंथ तो सबको मालूम है सर, ये तो A है, और ये जो लाइन है इसको मैं मिला रहा हूँ ऐसे, इसको मैंने मान लिया भैया B, कितना मान लिया B, बाकी सारे जो एज लेंथ है सब A है। तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, तो अब ध्यान से देखो इस पर ट्रायंगल ABC में क्या है, सबसे बड़ी वाली लाइन बच्चों ये है, तो मतलब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मिलेगा क्या, B² इज इक्वल क्या बच्चों A² प्लस वापस से क्या है ये A²
तो क्या मिल गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ बी इज इक्वल रूट टू ए, ये बाहर आएगा, ये तो आएगा ही। अब बच्चों यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर बी इज इक्वल पूछा जाए तो अगर बी का रिलेशन आर में रखा जाए रेडियस के टर्म में तो कितना आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक का लेगा पोर्शन एक आर, इसके अंदर से तो टोटल टू आर आएगा, आर प्लस आर सर एक आर ए। सर टोटल बी का जो लेंथ है वो फोर आर है, बी का जो लेंथ है वो कितना है फोर आर। आप खुद देखो अगर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, एक तो इसमें पूरा स्पेयर आ रहा है, एक इसमें इधर से आधा, एक इधर से आधा, बताओ बच्चों एक आर ये होगा, इसके अंदर दो आर है, इसके अंदर एक आर, तो टोटल कितना आर हो गया बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, तो बोलोगे सर फोर आर, कितना है फोर आर। तो बच्चों ये फोर आर हो गया, किसके बराबर हो गया, बी इज इक्वल फोर आर। जब हम फोर आर रखेंगे तो रूट में टू ए, तो ए इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, फोर बाई रूट टू आर। इसको अगर कैंसिल करोगे तो ए इज इक्वल आ जाए बच्चों टू रूट टू आर, ए इज इक्वल कितना आ गया टू रूट टू आर आ गया। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जानते भी हो आप लोग कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब आप लोग लिखोगे फार्मूला पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी, तो बच्चों बराबर लिखोगे क्या, कितने नंबर आप उसके अंदर स्पेयर है, तभी हम लोगों ने देखा था फोर, तो लिखेंगे सर फोर, और एक स्पेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, बोलोगे फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, अपॉन में क्या होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब, इंटू कितना होगा हंड्रेड, आगे बढ़ो क्या हो जाएगा सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब ए को कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों इसके कंसेप्ट से, टू रूट टू आर का क्यूब, अब हो जाएगा सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन रूट टू आर क्यूब इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड। बच्चों इसको सॉल्व करिएगा, रिजल्ट आएगा आपका अप्रॉक्स में 74%, कितना आएगा 74%। तो बच्चों याद रखिएगा FCC या HCP या CCP में जो पैकिंग एफिशियंसी होती है वो कितना होती है अप्रॉक्स में 74%, और ये मैक्सिमम एफिशियंसी शो कर रहा है, मतलब इतना स्पेस इसका कवर हो जाता है, बाकी जो बचा वो स्पेस खाली रहता है। कितना बचा बच्चों आपका, बचा 26% आपका क्या हो गया बाहर रहेगा, खाली रहेगा। तो नोट करिएगा इसको भी, सबको समझ में आया चीज। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टाइप यूनिट सेल का। चलो बच्चों अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट सेल का, जिसका नाम है बच्चों BCC। तो पैकिंग एफिशियंसी इन BCC बॉडी क्यूबिक सेल के अंदर। तो बच्चों आपको मालूम है BCC में जो रैंक होता था बच्चों कितना था, रैंक था सर दो। और देखो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, ये कैसा देखने में लगता है, ये कुछ ऐसा होता है। एक तो बच्चों कॉन्स्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पर रखे होंगे, और एक पार्टिकल रखा होगा इन सब के बॉडी के एकदम सेंटर में, मतलब एकदम बीचों बीच पार्ट में। तो मैं इसको ऐसे आपको विजुलाइज करता हूँ, तो इस तरीके से पार्टिकल रखे हैं, कुछ इस तरीके से पार्टिकल रखे हुए हैं। समझिएगा आप लोग, और बच्चों एक पार्टिकल रखा हुआ है इनके, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, आधा पोर्शन इसका यहाँ भी है ऐसे, और एक पार्टिकल रखा है इनके बीचों बीच में इस तरीके से, बाकी यहाँ पर भी रखे हुए हैं इस तरीके से रखे हुए हैं। अब ध्यान देखो, ये आपके सामने कुछ फिगर दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनका नेमिंग कर दूँ बच्चों, तो नेमिंग होगा सर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ की लाइन इससे मिलाता हूँ और यहाँ की लाइन इससे मिलाता हूँ, ठीक है, इस तरह हमने लाइन मिला दी। अब टोटल इसकी बच्चों रैंक कितनी है, दो, एक तो बॉडी के अंदर हो गया और बाकी 1/8 × 8 कॉर्नर पर हो गया, तो टोटल दो आ गए। अच्छा इसमें देखो बच्चों दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ट्रायंगल आपका बन रहा होगा EFD और एक ट्रायंगल बन रहा होगा आपका AFD। एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है बच्चों EFD और एक ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों AFD। इसी अकॉर्डिंग अपने को चलना है, यहीं से कैलकुलेशन हमारी होगी। तो देखो बच्चों इस वाले लेंथ को हमने मान लिया बी, इस वाले लेंथ को हमने मान लिया सी। तो सबसे पहले फिगर देखेंगे, ट्रायंगल EFD, ट्रायंगल EFD, बताओ इन सब में सबसे बड़ी लाइन क्या है, बी है बच्चों बी। तो सर बी स्क्वायर इज इक्वल क्या, ए स्क्वायर प्लस वापस से ए स्क्वायर, तो सर बी स्क्वायर इज इक्वल आ गया टू ए स्क्वायर। बी इज इक्वल कितना आ गया सर बच्चों टू ए स्क्वायर। अब यहीं पर रुक जाओ, इसको इक्वेशन मान लो वन। अब अगेन आ जाओ ट्रायंगल AFD पे, AFD, तो सबसे बड़ी लाइन क्या है बच्चों सी। सर सी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस
देखो चाहिए ना प्लस, ये वाली लाइन कितनी है, ए है, प्लस ए स्क्वायर। तो सर सी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से कितनी मिली बच्चों, टू ए स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आ गया बच्चों थ्री ए स्क्वायर। थोड़ा इधर देखो ध्यान से, अब अगर सी स्क्वायर इज इक्वल आ गया थ्री ए स्क्वायर, तो सी इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, रूट थ्री ए। कितना हो जाएगा, रूट थ्री ए। अब आप देखो सी बराबर कितना आ रहा है, सर सी बराबर आएगा एक आर, दो आर, तीन आर, चार, टोटल फोर आर आ रहा है सर। तो यहाँ लिखेंगे सी इज इक्वल फोर आर, तो यहाँ भर देंगे तो बच्चों फोर आर इज इक्वल रूट थ्री ए, फोर आर इज इक्वल रूट थ्री ए। नाउ अब ए इज इक्वल कितना आ जाएगा, फोर बाई रूट थ्री आर। ए इज इक्वल कितना आ जाएगा, फोर बाई रूट थ्री आर। तो हमें मेनली क्या करना होता है, ए को आर के टर्म में लिखना होता है। तो यहाँ से ए हमारे आर के टर्म में आ गया। अब परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला बच्चों क्या होता था, नंबर ऑफ स्फीयर कितने बच्चों, टू। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ए क्यूब की जगह सर ये आ जाएगा पूरा फोर बाई रूट थ्री आर का क्यूब इंटू हंड्रेड होगा। बच्चों जब ये पूरा कैलकुलेशन करोगे तो अप्रॉक्स में 68% आएगा। कितना आएगा, 68%। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि पहले वाले केस में आया था एससीसी में 52.4% अप्रॉक्स में, एचसीपी या फिर सीसीपी में बच्चों आपका आया था 74%, और बच्चों बीसीसी में आपका आ गया कितना, 68%। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि पैकिंग एफिशिएंसी किसकी कैसे निकाली जाती है और कितनी होती है। ये आपके इंटेक्स और एक्सरसाइज में क्वेश्चन के थ्रू मिलेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको कॉपी करिए, फिर नेक्स्ट बात करते हैं।